यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अर्चना, अपी, शिवांक, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और बहुत अच्छी बात है कि टीयर टू का रिजल्ट आ गया है. ठीक है, कल टीयर टू का रिजल्ट आ गया और काफ़ी सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है. होपफुली अब तो मैं यही प्रे करूँगी ना कि मेन्स में भी, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव में भी आपका अच्छा स्कोर आ जाए और फटाफट आपका सिलेक्शन हो जाए ताकि फिर आपको दोबारा इस चैनल पर आने की ज़रूरत ना पड़े. ओके, बहुत हेक्टिक होता है, फिर से नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर से क्लोज टेस्ट करना, फिर से पी क्यू आर एस बनाना. आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बोरिंग हो जाता है. तो मैं बस यही प्रे करूँगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीयर टू क्रैक किया है, सबसे पहले तो उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रैट्स. और बस मैं अभी यही प्रे करूँगी आपका डिस्क्रिप्टिव में भी एक अच्छा खासा स्कोर आ जाए और सेलेक्शन ले लो. तो मैनी मैनी कॉन्ग्रैट्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स हू हैव क्वालिफाइड टीयर टू. बहुत सारे, कल मैं रात वाला बैच पढ़ा रही थी 8 to 9:30 वाला, काफ़ी सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है. और एक दो चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे हैं ना एकदम कट ऑफ, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना कट ऑफ गया नहीं है, कट ऑफ कम ही गया है. और जो बच्चे थोड़े से बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, जिनका कट ऑफ से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, जिन्होंने बड़ी लीप ली है तो उनके लिए तो सेफ़ है, लेकिन जिनका एकदम बॉर्डर लाइन पे है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेंस के लिए लग जाइए. मतलब मैं इस बार के प्री की बात कर रही हूँ, मैं इस बार के प्री की बात कर रही हूँ कि जिनका स्कोर, जिनको लग रहा है, अभी तो खैर स्कोर आया नहीं है, जिनको लग रहा है ना कि पता नहीं मेरा एकदम बॉर्डर लाइन पे आएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है. सपोज़ अगर आपका प्री में नहीं भी होता है और अगर आप मेंस पढ़ भी लेते हो तो आपका कुछ वेस्ट तो नहीं होने वाला है ना, वेस्ट तो होने वाला नहीं. हाँ, कट ऑफ कम गया है इस बार का, टीयर टू का कट ऑफ जितना एक्सपेक्ट किया गया था कट ऑफ बहुत कम गया है. और इस बार जिसका प्री बहुत अच्छा नहीं गया है ना, जिनको कॉन्फिडेंट है कि नहीं होगा, निराश नहीं होगा ना, अगले साल की तैयारी करिए. पिछले साल भी कई बच्चे दुखी हुए थे बट इस साल वो खुश है, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. और जिसको लग रहा है कि मेरा स्कोर शायद बॉर्डर लाइन टाइप से आए, प्री का आपका स्कोर आ ही जाएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए. ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. हिमालय पर्वत पर चढ़कर प्रणाम कर रहे हैं. ओके, खुश रहिए, खुश रहिए. चलो, आज का हमारा एक सेट लिया है मैंने CHSL का, CHSL का प्रीवियस पेपर का ये सेट है और ये आई थिंक 2019 का ही सेट है. ठीक है, 8th या 9th जुलाई ऐसे ही कुछ है, 8th या 9th जुलाई का ही ये सेट है. अब मैं सोच रही हूँ ना, मैंने आपको idioms करवाया, मैंने आपको वन वर्ड करवाया, मैंने सोचा कि बीच में एक दिन phrasal verb भी करवा दिया जाए. phrasal verb में दिक्कत आती है सबको. चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, as the crow flies, as the crow flies, क्रो फ्लाइज, क्रो फ्लाइज का मतलब होता है ना, एज द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट रूट इन अ स्ट्रेट लाइन. एकदम स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधा और एकदम शॉर्टेस्ट रूट लेना, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट. और टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया है, कॉमेंट बॉक्स में देखना, ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है. ओके, तो वहां से आप आज 1 से 2 अन अकेडमी यूट्यूब पे 1 से 2 नरेशन की क्लास होने वाली है, तो आ जाना. टेलीग्राम पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है. ठीक है, नरेशन का क्वेश्चंस करेंगे 1 बजे से 2 बजे, लिंक पे क्लिक करोगे मिल जाएगा. ओके, और भी यूट्यूब के लिए मैं चीज़ें प्लान कर रही हूँ, आपसे शेयर करूँगी. कुछ कुछ मेरे मन में है यूट्यूब से रिलेटेड और प्रैक्टिस सेशंस, तो उसको मैं शेयर करूँगी, एक बार फाइनलाइज हो जाने दीजिए. पास द हैट, टेलीग्राम से जुड़ना है टेलीग्राम पे ना. मैंने सारा पीडीएफ आपको दिया है, स्पॉटिंग एरर्स का, ईडीएम्स का, वन वर्ड का, कल सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे चला गया है. और आज के क्लास का, स्पेशल क्लास का लिंक भी है. और सैटरडे को फ्री क्लास है, फ्री क्लास का मेरा अन अकेडमी पे, यस अन अकेडमी मेरा काम है, जहाँ भी फ्री क्लास है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए. पास द हैट, एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्लास मैंने पिछले सैटरडे को लिया था, अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में पिछले सैटरडे 11 बजे लिया था और मैंने करीब 70-80 फिक्स प्रेपोजिशन करवाए थे. और उसी सीरीज को मैं इस सैटरडे कंटिन्यू करूँगी, इस सैटरडे भी 11 बजे आ जाना, फिक्स प्रेपोजिशन का सीरीज कंटिन्यू होगा, फ्री है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी. पास द हैट का मतलब होता है टू कलेक्ट मनी, पैसे कलेक्ट करना.
पैसे कलेक्ट करना. नेक्स्ट, आई वॉज एस्टॉनिश्ड ऑन द इग्नोरेंस इन द विलेजेस. मैं तो विलेजेस के इग्नोरेंस पे आश्चर्यचकित था. यूट्यूब पे मेंस से रिलेटेड ना कुछ आपको मैं पीडीएफ्स वगैरह भी देना चाह रही हूँ. अच्छा, 8 जुलाई का पेपर है ये, शिफ्ट वन का. आज स्पेशल क्लास नहीं है, आज अनअकैडमी यूट्यूब पे क्लास है. एस्टॉनिश्ड के साथ शॉक्ड. आई वॉज शॉक्ड. ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन जो शुरू में करवाया है, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी लिख लिख के, वहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ाया है. आई वॉज शॉक्ड एट, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, आई वॉज अमेज्ड एट, आश्चर्यचकित, आई वॉज स्टार्टल्ड एट, आई वंडर्ड एट, सबके साथ एट लगता है. तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज एस्टॉनिश्ड एट ओवर नहीं हूँ. नो सूनर, ये तो हमारे एग्जाम का एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये सब स्टूडेंट्स को पता है और हर साल पूछते भी है. नो सूनर वॉज हिज नेम कॉल्ड आउट व्हेन ही वॉज गॉन ऑन टू द स्टेज टू रिसीव द अवॉर्ड. ये क्वेश्चन दो तरीके से गलत है, आंसर दो पहले. यस, आंसर सही आ रहा है. एक नो सूनर के साथ एक तो दैन आता है, दैन आता है, और ही वॉज गॉन लगा दिया. ठीक है, ही वॉज गॉन लगा दिया है. वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है कि सेंटेंस पैसिव जा रहा है. बट इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव जाना चाहिए. तो ये तो गलत है. और नो सूनर के साथ बट भी नहीं आता है, एंड भी नहीं आता. नो सूनर के साथ दैन. एन ऑफिशियल पार्डन. पार्डन करना मतलब किसी को माफ करना, ऑफिशियली औपचारिक रूप से, पब्लिकली किसी को माफी दे देना. एमनेस्टी, एमनीशिया, रिडेम्पशन एंड रेजिसाइड. फटाफट आंसर दीजिए. देखती हूँ कल फ्रेजल वर्ब होगा तो कल फ्रेजल वर्ब का क्लास कर लेंगे. चलिए आंसर बताइए फटाफट. एमनीशिया तो लॉस ऑफ मेमोरी है, लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल मेमोरी लॉस हो जाता. रिडेम्पशन मतलब किसी को गलत चीज से बचाना, रिडेम करना, रिकवर करना, बचा लेना, अवॉइड करना. रेजिसाइड इज द मर्डर ऑफ किंग. जैसे बोलते हैं ना, रिडेम्पशन फ्रॉम ईविल्स, सम फ्रॉम सिन, पाप से बचाना. ओके, रिडेम्पशन, मर्डर ऑफ किंग. यस, एमनेस्टी का मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियली किसी को पार्डन देना, माफ कर देना. अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट. ऑन फुट एग्जाम में ना बाय फुट लगा के दे देते हैं. बाय फुट गलत है, इसका होता है ऑन फुट. और इसका एक मुहावरे भी होता है, जो लोग पैदल चलते हैं ना, ऑन शैंक्स मेयर, इसका मतलब भी होता है पैदल. चलो वन वर्ड में पैदल चलने वाले लोग को क्या बोलेंगे. ये पेडियाट्रिशियन होता है बच्चों के डॉक्टर. ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं जो छोटे बच्चों का इलाज करते हैं. और प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ ड्रामा, वो है. और पॉपर का मतलब है पुअर. तो आंसर क्या है, पेडेस्ट्रियन इज जो लोग पैदल चलते हैं. चलिए अरेंजमेंट बनाइए. पेड का मतलब ही होता है PEDE, इसका मतलब ही होता है पैर से चलने वाले, पैदल चलने वाले.
टेलीग्राम इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव, ऊपर देखो टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में देखो। कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ सबसे पहले डी ऑप्शन को हटाओ, मतलब जो डी से शुरू होता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बहुत सारे लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं रिटायर्ड ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड डॉग्स की तरह होते हैं, ओके। एक डॉग्स है जिसको रेस में यूज किया जाता है, डॉग्स रेसिंग में, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो। अब बी से स्टार्ट होगा। ग्रे हाउंड रेसिंग इज अ पॉपुलर स्पेक्टेटर स्पोर्ट इन द यूनाइटेड स्पेस सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो ग्रे हाउंड है ना, एक रेस है जो लोग देखने जाते हैं यूएस में, तो बी से ही होगा। अब बताओ, बी के बाद ए आएगा। यस, ये जो हाउंड है ना, ये रेस में यूज होता है। बट व्हेन देयर शॉर्ट रेसिंग करियर्स आर ओवर, जब ये डॉग्स होते हैं ना, जब इनका रेसिंग वाला करियर खत्म हो जाता है, तो लोग इसको पेट, घर में पालतू बनाकर यूज करते हैं, बी के बाद ए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल हेजिटेट टू अडॉप्ट अ रिटायर्ड रेसिंग रेनाउंड एज अ पेट। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? डी के बाद सी इसलिए होगा ना, क्योंकि डी के सी बाद जब कारण बताता क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं। दे वरी डेट द ग्रे हाउंड्स वुड नीड अ बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो डी होगा, डी। नेक्स्ट, डी आंसर है। हाँ, आजकल तो करेक्ट आंसर आ रहा है सबका। डी और सी का पेयर बनेगा। डी के तुरंत बाद सी आता है, उसमें डी में बोला है क्यों नहीं लोग नहीं रखना चाहते हैं, और फिर सी में बोला है क्यों नहीं रखना चाहते हैं। सी बी डी ए देखना होगा। अच्छा, हाउएवर से तो वाक्य शुरू नहीं होगा। हाउएवर इज हालांकि। मेरी ग्रैंडमदर बहुत खुश थी कि मैं तो जिम्मेदार बन गया। डी डी से तो शुरू नहीं। फिर देखो बी, बट से भी वाक्य शुरू नहीं है। बट मेरा सारा मनी तुरंत ही खत्म हो गया, क्योंकि हाउस के घर की जरूरतें इतनी थी कि घर का सारा मनी तुरंत खत्म हो गया। बी से भी नहीं होगा। अब सी से होगा। आई रिटर्न होम विथ माई पॉकेट्स फुल ऑफ माई अर्निंग्स। पूरा पैसों के साथ मैं घर रिटर्न हुआ। सी के बाद भी ही होगा। घर तो पैसों के साथ रिटर्न हुआ, बट ऑल माई मनी सून वैनिश। सारे पैसे खत्म हो गए, घर की ज़रूरतें बहुत सारी थी, ठीक है। हाउएवर, वैसे हालांकि मेरी ग्रैंडमदर को लग रहा था ना कि मैं खुश हूँ, मेरी ग्रैंडमदर हैप्पी थी कि मैं रिस्पॉन्सिबल बन गया हूँ, लेकिन ये जो ग्रैंडमदर है ना, ग्रैंडमदर के लिए शी लगा है, तो डी के बाद ही ए होगा। तो यहाँ भी लगाया, ग्रैंडमदर को पता ही नहीं था कि मेरी जॉब फिर से चली गई है। इंट्रिपिड, इस बार मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स टीयर टू निकालने वाले हैं, और ऐसा हुआ भी। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करते जाना है। इंट्रिपिड सिनोनिम्स करना। ट्रिपिड का मतलब है डरपोक, फियरफुल, जो लोग डरपोक है। और इन का मतलब है नो, और ट्रिपिड का मतलब है नो डर। नो डर है, इसका मतलब है बहुत बहादुर है। इंट्रिपिड लोग बहुत फियरलेस होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, ब्रेव। ये तो इसका एंटोनिम हो गया, कॉवर्डली तो डरपोक हो गया। तो गैलेंट इज करेक्ट। अच्छा, बहुतों का आंसर डी भी आ रहा है, इनसिक्योर भी आ रहा है। गैलेंट, ये बहादुर लोग है। कोवर्डली लोग तो डरपोक होते हैं। नेक्स्ट वाला,
रेजिल्यूट, रेजिल्यूट इंट्रेपिड का मतलब है निर्भीक लोग जो किसी से डरते नहीं है, बहादुर होते हैं। अब है रेजिल्यूट, न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हो ना साहब, दिस टाइम सीजीएल डू और डाई, न्यू ईयर में कल तो मैं सुबह सो के उठूंगा, सुबह कल 4 बजे ही उठूंगा न्यू ईयर में, बस 2 दिन बाद वो रेजोल्यूशन खत्म। रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय, मतलब रेजोल्यूशन मतलब शपथ लेना, तो उसी तरह शपथ ले रहे हो एकदम दृढ़ होकर। तो रेजिल्यूट लोग भी होते हैं बहुत दृढ़, बहुत डिटर्मिंड होते हैं, डिटर्मिंड होते हैं, फॉर्म होते हैं दृढ़। अब एंटनी माना है, एंटनी मोड पे आ जाना है। एंटनिम, एंटनिम ये एंटनिम है, एंटनिम। फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, बहुत जिद्दी नहीं होते हैं। और ये हाँ जिद्दी नहीं होते, इलास्टिक होते हैं, ये भी फ्लेक्सिबल है, ये सिनोनिम्स है। और प्लाइंट होते हैं, भाई तुम ही सही हो, मैं गलत हूँ, मैं तुमसे एग्री करता हूँ, सब फ्लेक्सिबल है, तुरंत बात मान जाते हैं। और ये तो अकड़ू है, स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है बहुत जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल लोग हैं। हमें एंटनिम करना है ना, बहुत इनफ्लेक्सिबल, बहुत स्टिफ नेक्ड होते हैं अकड़ू लोग, बहुत स्टबर्न होते हैं। असेंट, असेंट, असेंट जब वो सिनोनिम पूछते हैं ना, एंटोनिम पूछते हैं तो सिनोनिम भी डालते हैं, असेंट। असेंट इज डिसेंट, असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर इज छोटा से बड़ा, नीचे से ऊपर। और प्लेन डिसेंट कर रहा है, प्लेन डिसेंट कर रहा है मतलब प्लेन ऊपर से नीचे लैंड कर रहा है, डिसेंट। और क्रिसेंट, जो चांद का ये वाला शेप होता है ना, जो चांद का ये वाला शेप होता है उसको क्रिसेंट बोलते हैं, क्रिसेंट मून। और रिसेंट का मतलब तो अभी हाल फिलहाल में, और नेसेंट का मतलब है नवजात, अभी डेवलपिंग स्टेट में है, इमर्जिंग है, डेवलपिंग है, अभी अपने इमेच्योर स्टेज में है, अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरह से डेवलप्ड हुआ नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज डिसेंट, डिसेंट मतलब, असेंट का मतलब ऊपर चढ़ाई, डिसेंट इज नीचे आना। द सर्जन सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, ये इजी था, ये आई थिंक 2019, नीचे स्लाइड के नीचे लिखा हुआ था, 2019 का पेपर है, 8 जुलाई है, फर्स्ट शिफ्ट। द सर्जन सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, हाँ सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सेंटेंस और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है, ये सिंपल पास्ट में जा रहा है। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो हमें भी सिंपल पास्ट रखना है। इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया है, यहाँ पे भी प्रेजेंट कर दिया, हमें तो पास्ट जाना, ईजी। फादर सेड टू हिज डॉटर, आज आज मैं कुछ ऑसम वाले क्वेश्चंस करूँगी, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ ना, मेंस को ध्यान में रखकर आज आना आप 1 से 2, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे तक आपका अन अकेडमी यूट्यूब पे क्लास है, थोड़ा नरेशन के अच्छे वाले स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 1 से 2 अन अकेडमी यूट्यूब पे, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, जुड़ जाना, क्योंकि ये सब तो बहुत ईजी ईजी है, मेंस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा क्वेश्चंस टफ ही करेंगे। फादर सेड टू हिज डॉटर आई विल अटेंड, देखो इसमें क्या है, विल वुड में बदलेगा ना, विल को विल छोड़ दिया, विल छोड़ दिया, विल छोड़, आंसर यही है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस सीक सिंसियर एंड डैश एम्प्लॉयज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है वो सर वो ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें सिंसियर और डैश एम्प्लॉयज मिले, इतना ईजी है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं ना कि उन्हें अच्छे एम्प्लॉयज मिले, इनएक्टिव और इनर्ट तो नहीं होगा, दोनों का मतलब होता है इनएक्टिव, ये तो नहीं होगा। इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती, और इंडस्ट्रियल का मतलब है औद्योगिक, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, तो लोग इंडस्ट्री रिलेटेड एम्प्लॉयज थोड़ी चाहते हैं, लोग हार्ड वर्किंग चाहते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल नहीं होगा, इंडस्ट्रियस होगा।
I had dash pain in the stomach after taking lunch. I had dash pain in the stomach after taking lunch. I had heavy pain नहीं होगा, strict pain भी नहीं होगा. बहुत strict लोग होते हैं, लोग जो लोग बहुत strict होते हैं, ठीक है, बहुत कठोर टाइप से. I had acute, acute मतलब बहुत तीव्र, किसी चीज़ की तीव्रता ज़्यादा होती है, बहुत बहुत sharp, 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 acute pain. Select the wrongly spelt word. Wrongly spelt word. अक्यूट, अक्यूट का मतलब थोड़ा नहीं है. अक्यूट क्राइसिस, अक्यूट क्राइसिस का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस. अक्यूट पेन, अक्यूट मतलब बहुत सिवियर पेन, बहुत शार्प पेन. कई बच्चे मैं देखती हूँ कि अक्यूट को थोड़ा समझ लेते हैं. अगर कोई बच्चा बहुत अक्यूट है, अक्यूट है मतलब बच्चा बहुत टैलेंटेड है, शार्प है, और इसी का उल्टा होता है मंद बुद्धि है बच्चा, ऑब्ट्यूज है, फुलिश है. हाँ, तो एक्सप्लेन में देखो, एक्सप्लेन में ए लगता है, एक्सप्लेन में तो ए लगेगा, एक्सप्लेन वर्ब है. जब इससे नाउन बनाओगे ना तो इसमें से ए हटा देना. एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, एक्सप्लानेशन, एक्सप्ला, इसमें से आई हट जाए, आई हट जाएगा, आई हट जाए. अपॉर्चुनिटी का सही स्पेलिंग बताना है. एक्सप्लेन में ए लगाना, बट नाउन बनेगा तो ए, सॉरी, आई लगाना, नाउन बनेगा तो आई हट जाएगा. अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में कन्फर्म में डबल पी आएगा, डबल पी तो आता है सिंगल पी, और अपॉर्चुनिटी में ओ आता है. अपॉर्चुनिटी, मौका. नेक्स्ट, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन, ओके, टू बिकम अ ग्रेट लीडर. फॉर्मल एजुकेशन ना होने की वजह से भी ऐसा नहीं है कि लिंकन बहुत बड़े लीडर ना बन पाए, उन्हें रोका नहीं लीडर बनने से. ये तो बहुत नाइंसाफी है, 680 वॉचिंग है और 384 ही लाइक्स किया है, बहुत नाइंसाफी है. हाँ, प्रिवेंट वर्ड, प्रिवेंट वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, और जब भी प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आ गया है ना, ओके, तो उसके बाद आईएनजी लगाना है, ठीक है, आईएनजी लगाना है. क्यों? क्योंकि फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी आना है, ओके. तो यहाँ पे फ्रॉम लगा, प्रिवेंटेड फ्रॉम. प्रिवेंट वर्ड कभी भी जीरेंड, इन्फिनेटिव नहीं लेगा, जीरेंड लेगा क्योंकि फ्रॉम लिया है, और फ्रॉम के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता है, जीरेंड आता है, फ्रॉम बिकम. नेक्स्ट वर्ड, प्लेजर कैन नॉट डिराइव. सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी करते जाना है. प्लेजर कैन नॉट, हमें प्लेजर, प्लेजर हम हासिल नहीं कर सकते हैं दूसरे को दुख देकर. तो प्लेजर, हाँ, दूसरे को दुख देकर आपको प्लेजर मिल रहा है, पैसिव जाना चाहिए. प्लेजर कैन नॉट बी डिराइव्ड, बी डिराइव्ड होगा, डिराइव, डिराइव किसी चीज से, किसी चीज को डिराइव करते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी डिराइव, एरर इसमें. चलो लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर वी कैन नॉट डिराइव प्लेजर होता तब वो पैसिव नहीं जाता.
बना के डन बोलना है। अच्छा पहले तो मुझे बताओ, एज द रेन्स रिसीडेड, रिसीड का मतलब है जैसे ही बारिश खत्म हुई, रिसीड इज पीछे जाना, ओके खत्म होना, पानी जैसे द वाटर रिसीडेड, पानी वापस पीछे चला गया, वैसे ही रेन्स, जब भी रेन्स खत्म हुआ, बारिश खत्म हुई, तो आई गॉट अ स्ट्रेंज जॉब। आई है अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे एक स्ट्रेंज जॉब मिली, कुछ अटपटा सा मुझे विचित्र जॉब मिला। आवर नेबर, क्या जॉब मिला आगे बता रहे हैं, हमारे नेबर, आई जो है ना अपने पड़ोसी के बारे में बता रहे, अ डैश मर्चेंट। पहले मुझे बताओ कि ये दोनों क्यों नहीं होगा, अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वेल्दी संपन्न, ये क्यों नहीं होगा, ये दोनों क्यों नहीं होगा बताना। हाँ अमन एम्बिशियस भी बोल रहे हैं, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी मर्चेंट, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन ट्रेडर। हाँ यहाँ पे देखो ना अ लगा है, आर्टिकल अ लगा है, अगर एन होता ना, अ तो वोवल साउंड है ना, इसके साथ एन आता, यहाँ भी एन आता, तो ये दोनों तो हट गया। और पॉपुलस का मतलब होता है पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन जनसंख्या के सेंस में है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, तो पॉपुलेटेड तो होगा नहीं, प्रॉस्परस हो, प्रॉस्परस, थोड़ा सा आगे पीछे वर्ड्स भी देख लेना ना। अब प्रॉस्परस मर्चेंट डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन, वो बोल रहे हैं हमारे जो पड़ोसी थे ना, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उसने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, बट ही वॉज डैश, सो ही वॉन्टेड टू डैश हिम एवरीवेयर, बट ही वॉज डैश, वो पॉलिटिशियन बनना चाहता था। पॉपुलस एडजेक्टिव है, सारे एडजेक्टिव ही है, प्रॉस्परस भी एडजेक्टिव ही है, और हमें एडजेक्टिव ही चाहिए, बट ही वॉज डैश, ही वॉज इलेजिबल, ठीक है, इलेजिटिमेट, इलॉजिकल, क्योंकि हाँ आगे जाके ना, इसीलिए पहले क्लोज टेस्ट पढ़ जाना पढ़ना है। इलेजिटिमेट का मतलब है इलीगल, इलॉजिकल का मतलब है अनरीजनेबल, बिना सिर पैर की बात करना, क्योंकि आगे जाके दे रहे हैं ना, इलेजिबल मतलब जिसको नहीं पढ़ा जा सकता है, राइटिंग जिसकी क्लियर नहीं होती, जिसको देखो उसको रीड एंड राइट, उसको पढ़ना लिखना नेबर को नहीं आता था, इसलिए नेबर चाहता था ना कि आई उसके साथ साथ हर जगह चले, ओके तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो क्या था, उसका नेबर वॉज अनपढ़, इलिटरेट, इलिटरेट था, बट ही वॉज इलिटरेट, सो ही वॉन्टेड मी, जो नेबर था वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, इसलिए नेबर चाहता था कि मी मतलब आई उनके साथ क्या करे, उसको हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर अटेंड करे, टू अटेंड हिम एवरीवेयर ही वेंट, कोइंसाइड, कोइंसिडेंस के सेंस में, को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना, अकंपनी, अकंपनी का मतलब है साथ साथ, संगत, कंपनी रहना मतलब संगत, उसके साथ साथ, पढ़ा लिखा नहीं था, सो ही वॉन्टेड मी टू अकंपनी हिम, अकंपनी हिम मतलब वो चाहता था कि मैं उसके साथ साथ एवरीवेयर हर जगह जाऊँ, जहाँ वो जाए मैं वहाँ जाऊँ, एंड रीड एंड राइट, एंड उसके लिए रीड एंड राइट डैश हिम, रीड एंड राइट, हाँ फ्रॉम हिम, ही फ्रॉम हिम नहीं होगा ना, वो चाहता था ना कि पड़ोसी उसके लिए पढ़े लिखे, मतलब उसको पढ़ कर लिख कर बताए, फ्रॉम हिम नहीं है, वो पड़ोसी चाहता था ना कि वो उसके लिए जाए, और उसके लिए रीड एंड राइट ऑन हिम नहीं होगा, थ्रू हिम नहीं होगा, फ्रॉम हिम नहीं है, पड़ोसी उससे कुछ नहीं सीखेगा, पड़ोसी उसके लिए काम करेगा, फॉर, फ्रॉम भी आ रहा है आंसर हिमांशु, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम हिम, रीड एंड राइट फ्रॉम हिम मतलब पड़ोसी उससे लिखेगा सीखेगा नहीं, पड़ोसी उसके लिए लिखेगा रीड करेगा। और फॉर माई वर्क, और मेरे वर्क के लिए, आई वॉज टू बी पेड अ डिसेंट, और मुझे अपने काम के लिए ठीक ठाक डैश मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, वेजेस मिलेगा, या प्राइज मिलेगा, जॉब के लिए ना, एज द मुझे जॉब मिली, मुझे जॉब दिया गया, और जॉब के लिए ना प्राइज,
बोनस तो सैलरी के अलावा जॉब के लिए वेजेस मिलता है, पगार मिलता है, वेजेस होगा, वेजेस वेजेस। चलो इसी बात पे स्कोर बता दो, इसी बात पे फटाफट स्कोर बता दीजिए। हाँ, डेली वेजेस या सैलरी, सैलरी के सेंस में, और सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। चलो एक बार, मैं एक बार लास्ट रिमाइंडर आपको फिर से एक चीज़ रिमाइंड कर देती हूँ कि अन अकेडमी पे प्राइस ड्रॉप चल रहा है। अब ओनली 2 डेज लेफ्ट, सिर्फ 2 दिन बचा है। आज क्या है, आज 27th है ना, आज 27th है और कल 28th है। बस आपके पास अब 2 दिन बचा है प्राइस ड्रॉप का। ओके, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है फटाफट ले लीजिए। मेंस का बहुत अग्रेसिव बैच आ रहा है मंडे से, मंडे मतलब 2 मई से, और 4 मई से प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच भी आ रहा है, 2 बैचेस आ रहे हैं। ओके, तो आप फटाफट एडमिशन ले लो। एडमिशन के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है, रानी 10, ताकि आपको 20% डिस्काउंट मिल जाए। देखो यहाँ पे है, 2 बैचेस आ रहे हैं, एक तो क्लासिक बैच का थर्ड पार्ट आ रहा है प्री प्लस मेंस का, और ये सिर्फ और सिर्फ मेंस का है। मेंस का बैच मतलब सिर्फ प्रैक्टिस होने वाला है इसमें, और एडमिशन के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है रानी 10। ये कोड आप यूज़ करोगे ना, सॉरी, ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, मिलता था, लेकिन अब 20%। ओके, अब 2 दिन बचा है, अभी अन अकेडमी पे प्राइस ड्रॉप चल रहा है, फटाफट एडमिशन लीजिए। 10% की जगह 20% का बेनिफिट उठाइए। अगर आप मेरे स्पेशल क्लास देखते हो ना, तो पॉइंट्स को रिडीम करके आपका फ़ी और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये कैसे कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, ये आपको गाइड करेंगे। अगर किसी को EMI वगैरह पे लेना है, वो सब सारा चीज़ गाइड कर देंगे। ये सब नंबर आपके लिए अवेलेबल है, तो आप कॉल कर सकते हो। और बाकी तो ये सब बैचेस है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे 1 बजे से नरेशन का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं करवाने वाली हूँ, उसका लिंक डाल दिया है। ओके, और बाकी ये सब अन अकेडमी के आपके अल्ट्रा कॉम्बैक्ट हो ही गया। टॉप एडुकेटर्स का बैच है, विजय बैच है, सफलता बैच है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ है, एम बैच है, टारगेट बैच है, स्टेनोग्राफर है, टैलेंट बैच है, बैच ही बैच है। आपको एक ही बैच करना है, एक ही टीचर आपका एग्ज़ाम निकालने वाले हैं, और डाउट से डाउट सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा। अपने डाउट को अच्छे से फोटो क्लिक करके क्रॉप करके भेजना, उसका सोल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, 21 आया है तरुण का। मैम लास्ट 2 डेज का तो मैंने PDF डाल दिया है। हाँ, YouTube पे आपकी आज, अच्छा संजय का आज 20 नहीं, किसका, वर्षा का 25 में 25 आया, वेरी गुड। मंडे से नया मेंस का बैच आ रहा है ना, इसलिए मंडे से आपका YouTube टाइमिंग बदलने वाला है, 11 बजे की जगह 11:30 बजे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अन अकेडमी पे न्यू बैच आने की वजह से ना, मुझे YouTube का टाइमिंग यहाँ पे बदलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो बैच है ये 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी ये 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, और 9:30 से 11 का बैच है। इसलिए अब से मंडे से आपकी यूट्यूब टाइमिंग 11:30 बजे होगी। और ये तो प्री प्लस मेंस का बैच 24 आया है, वेरी गुड। रंजीत का 18 आया है। प्री प्लस मेंस बैच में भी प्रैक्टिस होगी, बट मेंस, लेकिन प्री प्लस मेंस मेंस बैच में कॉन्सेप्ट्स भी तो पढ़ेंगे ना, ये मान के पढ़ाना है ना कि आपने इंग्लिश बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट मेंस में कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, मेंस में तो आपको प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, 8 बजे के करीब आपको सारा PDF अपडेट में डालते जाऊँगी। आप सुबह सुबह बना के रखोगे, आओगे, मैं उसको डिस्कस करूँगी। ठीक है, बता ही दिया है, पहले स्पॉटिंग एरर्स हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज, फिर मिसलेनियस, ये तो आपका चलते रहेगा। जब भी आपका मेन्स हो, मेन्स के 2-4 दिन पहले तक ये बैच चलते रहेगा। PQRS, और क्योंकि क्योंकि मैंने देखा कि टीयर टू में ना बहुत सारे बच्चों को जितना कट ऑफ गया है, उससे बहुत ज़्यादा लीड मिला है। कई बच्चे बहुत खुश है कि उनको 40-50 नंबर का लीड मिला है, जितना कट ऑफ गया है उससे ज़्यादा, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ PQRS एंड पैसेज। क्योंकि बाकी सब बच्चे ग्रामर और वर्ड पावर तो सब पढ़ के जाता है, बट जिसका PQRS, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज और क्लोज टेस्ट, जिसका मेंस में बहुत अच्छा गया ना, उसको कट ऑफ से बहुत ज़्यादा लीड मिलने वाली है। और वैसे बच्चों को बहुत टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी उनका अच्छा गया है, इजी टॉपिक आया था। क्लोज टेस्ट के लिए देखो, आपका क्लोज टेस्ट अभी अभी जब मैं रात के बैच में क्लोज टेस्ट करवाती हूँ ना, तो हर दिन बच्चे नए जुड़ते हैं। तो कुछ बच्चे ना बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम मेरा क्लोज टेस्ट में ना
मेरा क्लोज टेस्ट में 5 में 1 आ रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, 5 में 1 आ रहा है मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, तो दूसरे बच्चे उन्हें एनकरेज करते हैं कि बस घबराओ नहीं, मैम की क्लास में लगातार आते रहो, तुम्हारा भी 5 में 5 आएगा। कईयों का शुरू में 0 भी आता है, 0 भी आता है। तो क्लोज टेस्ट एक ऐसा चीज़ है ना, क्लोज टेस्ट पैसेज और PQRS है, सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने से इम्प्रूव नहीं होने वाला, आपको बैचेस में आना होगा, रेगुलरिटी के साथ अटेंड करना होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना एक अलग बात है बट क्लोज टेस्ट का सही ऑप्शन चुनना अलग बात है। यू हैव ऑल द ऑप्शंस बिफोर यू, 2-3 ऑप्शन तो एकदम मिलते जुलते हैं, तो सीखना है ना कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के थोड़ी होगा, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके तो चलो अब एंड किया जाए, अब हम कल मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, और 1 बजे आ जाएंगे सब लोग, 1 बजे आ जाएंगे, मैं क्लास का लिंक डाल दूंगी, नरेशन का है। आप लोग थोड़ा सा गलती कर बैठते हो। जब आप मेंस में आ गए, टेंशन बहुत होता है, मैम प्री का पता नहीं कब तक क्या होगा, सब ठीक होगा। आप लोग मेंस तक पहुंच जा रहे हो ना, तो फिर थोड़ा सा क्या करो, मैं देखो आपको लगेगा अरे मैम तो बैच के पीछे पड़ गए, मैं पीछे पड़ रही हूँ आपके सिलेक्शन का, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना तो थोड़ा जम के प्रैक्टिस करो, ये नहीं बोल रही हूँ कि मेंस के बच्चे 1 साल का ले लो, लेकिन आप 3 to 6 months का तो सब्सक्रिप्शन ले ही सकते हो। 6 months भी इसलिए बोल रही हूँ ना, हो सकता है थोड़ा सा प्री का एग्ज़ाम इधर उधर होता है, तो 3 month के बाद 6 months के अंदर तो हो ही जाएगा, 6 months का, तो लास्ट तक प्रैक्टिस करोगे ना। और मैंने अपने मेंस बैच में बच्चों को बोला भी है, जब भी मैं मेन का बैच कंडक्ट करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बस आप अपना मॉक टेस्ट देते रहिए, और जो आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो ना वो मेरे साथ आके मेरे बैच में करो, आपका सेल्फ स्टडी का काम हो जाएगा, आप मॉक देते रहना, और जो आपका टाइम बचता है उसमें आप एकदम अच्छे से जी जान लगा दो मैथ्स के लिए लगाओ, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस वर्क यहीं पे हो जाएगा। ओके तो एक बार हम लोग मेंस की स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे अलग से। चलो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं, बट प्रैक्टिस करना, अरे आप बोल रहे हो ना पूरे दिन यही चलता है, जो टॉपर वाले बच्चे हैं ना वर्षा उनसे बात करो, ऐसी बातें नहीं करनी है, आप स्टूडेंट हो और आप बोल रहे हो ना कि मैम पूरे दिन तो प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, अरे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो करोगे क्या, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला है आप उनको देखो, उनकी बातें सुनो कि एग्ज़ाम निकालने के पीछे ना आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत की है, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और कौन सा आपका लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना है, एक बार आप जॉब ले लो उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट मैथ्स अरिथमेटिक ट्रिग्नोमेट्री से पीछा छूट जाएगा। ओके इतना जल्दी हार नहीं मान लेना है।